हाय गुड इवनिंग रिहानी फिजिक्स के यूट्यूब चैनल पे एक बार सभी लोगों का स्वागत है। धीरे धीरे हम लोग तो दूर होने ही वाले हैं, चलिए कुछ पल ऐसे ही साथ में जुड़ने का मौका मिल रहा है, चाहे वो लाइव के थ्रू हो। मतलब फाइनली एक तारीख जब बीत जाएगा, जब आपका एक तारीख बीत जाएगा तो सर कहाँ हम लोग मिलने वाले हैं, तो पल भर का ही साथ सही। थैंक यू। करना क्या आपको कि फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोगों को पता चल जाए। जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कीजिए। हाय सर, अभिषेक कुमार, हाय क्रिस, जय हिंद, गौतम, लव यू, लव यू, यानी सर के फैन, थैंक यू, गुड इवनिंग निकिता। मिलेंगे सर, आप भूल जाइएगा, हम नहीं भूलेंगे, बिल्कुल कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा हो सकता है क्या? जिस्म से जान कैसे जुदा होगा भाई। गुलाब यादव, लव यू सर, ओके, गुड इवनिंग सर, आपका भी रिहानी फिजिक्स का यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, ओके, थैंक यू सुमन शर्मा। हाँ हमारा भी ठीक है, रिहानी फिजिक्स के चैनल पे, चूंकि ये हमारा चैनल नहीं है, ये तो आप लोग का चैनल है, रिहानी फिजिक्स परिवार का चैनल है। फटाफट शेयर करना है, फटाफट शेयर करना है। देखिए दो बात है, हम जिस मोबाइल से लाइव आते हैं आज, उस मोबाइल का बैटरी भी थोड़ा सा कम है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि पूरा हो पाए नहीं, इसलिए हम फटाफट चालू करना चाहते हैं। बहुत अच्छे हैं सुमित, बहुत अच्छे, जल्दी शेयर तो कीजिए, शेयर करना है, पहले शेयर करना है, शेयर करना है, फटाफट शेयर कीजिए। आप लोग एग्जाम के बाद हम बाल भी कटवा लेंगे, फटाफट शेयर करना है। सुंदरम, आई एम रिहानी भक्त, आई एम बच्चा भक्त, हम आपके भक्त हैं सर। थैंक यू अजीत, सब लोग थैंक यू, खूब मक्खन लगाइए ऐसे ही। हाँ अमरीश, कुछ पल देखिए, अभी अभी से ही भाव पले, फटाफट शेयर कर दिए, करिए करिए, स्टार्ट करना, बैटरी कम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, विपुल कैसे भूल जाएंगे जी, दम नहीं, फटाफट शेयर करना है। हम यहां भी चैट देख सकते हैं, लेकिन यहां चैट देखने में दिक्कत क्या है ना, कि हम साइड हो जाते हैं स्क्रीन से। रीगा का पानी, सीतामढ़ी का रिहानी, आ गए अब आ गए सर। ठीक है, थैंक यू, शेयर शेयर, अभी 92 पहुंचा, कम से कम 120 जाना चाहिए, 92 ही है, 160 जाता है, जल्दी। हमारे पेट में भी थोड़ा थोड़ा दर्द है, आप लोग जाने वाले, बहुत कुछ होने लगा है, भावुक हो गए सर, बहुत मिस करेंगे, क्यों मिस करेगा, मरेंगे थोड़ी हम। कल हमारा लास्ट डे है आपके साथ, हाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ये प्यार, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। सूरज कभी किरण, किरण सूरज का साथ छोड़ सकता है क्या? चंदा गगन का साथ, आसमान का साथ छोड़ सकता है? ये बंधन तो प्यार का बंधन है, इसीलिए बोले हैं ये बंधन ना टूटने वाला है साहब। सूरज कब दूर किरण से, चंदा कब दूर गगन से, और भी बहुत सारे लाइन्स है, नहीं आते हैं। ओके ओके, आई एम वेरी मिस यू, मिस यू, मिस यू। स्टार्ट किया, स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट करूं, हम लोग का भी लास्ट है, यस। बाली ठीक नहीं हो रहा आज, ठीक है चलिए, 104 चला गया, आते हैं हम क्वेश्चन बैंक की ओर, फिर आपका हम देखते रहेंगे। 104 10, जल्दी जल्दी फटाफट शेयर कीजिए। आज होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम लाइव ऑन 7:30, कोशिश किया जाता है कि हम 7:30 में लाइव आ जाएं, और एग्जैक्टली अभी टाइम देख लीजिए, 7:33 हो रहा है, टाइम से पहले, मतलब मनी हाइस्ट देख लिए, लेकिन समय का रेस्पेक्ट करना अगर आप नहीं सीख रहे हैं तो वो बहुत बुरी बात है। आज मेरी चीज, दो चीजों की बहुत ज्यादा आशंका है, आशंका नंबर एक तो हमारा मूड अपसेट है, बिकॉज आप लोग दूर जा रहे हैं, सो, और दूसरा मोबाइल में बैटरी भी कम है, याद रखेगा 2014 है ना, चलिए
और ये जो 2014 जो साल रहा है ना, ये बिहार बोर्ड के लिए बड़ा अजीबो गरीब साल रहा है। उस समय सिलेबस में, उस समय पैटर्न में बदलाव किया गया था एग्जाम के टाइम में, एग्जाम से कुछ दिन पहले। ऐसे बिहार बोर्ड जाना जाता है कि कब सिलेबस को कैसे बदल दे, ये किसी का भरोसा नहीं है। लेकिन अभी आप लोग का नहीं बदलेगा क्योंकि आपका क्वेश्चन प्रिंट हो चुका होगा। तो 2014 में क्या बदलाव किया गया था वो मैं आपको बता दूं। नॉर्मली आपका इससे पहले कुल कितने सेक्शन थे? एक था ऑब्जेक्टिव सेक्शन, दूसरा था सब्जेक्टिव 2 मार्क्स क्वेश्चन, फिर हम लोग आते थे 5 मार्क्स क्वेश्चन पे। यहां 2014 में क्या किया गया था कि ऑब्जेक्टिव को हटा दिया गया था। ऑब्जेक्टिव मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हटा दिया गया था। वहां पे 1 मार्क्स क्वेश्चन रखा गया था 10, फिर ग्रुप ए था, 2 मार्क्स क्वेश्चन था ग्रुप। स्टार्ट हुआ क्या देख लीजिए, तो थोड़ा सा नेट प्रॉब्लम हो गया था। जिदा होकर भी दिल से कभी जुदा ना हो सकूंगा सर, बिल्कुल स्टार्ट हुआ सर, मोबाइल गया क्या? देखिए तो स्टार्ट हुआ स्टार्ट है ना, जल्दी आज थोड़ा जल्दी करना है, चेहरा पे स्माइल लाना है, बहुत सारा काम करना है। बोल रहा है पहला क्वेश्चन बताना है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, बताइए एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का क्या होगा, जल्दी ऑप्शन में लिखना है आपको, मुझे पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का एसआई यूनिट क्या होगा, जल्दी अब तक ऑप्शन नहीं दिखा। कूलम मीटर, बहुत अच्छा आ गया दर्शन का, गुड कूलम मीटर। बहुत लड़का ने गलती कर देता सेंटीमीटर लिख देता, उसको फुल फॉर्म में लिख दीजिएगा कूलम इंटू मीटर, अब ब्रैकेट में तब लिख देंगे सीएम, हो गया ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट कूलम में। बहुत अच्छा थैंक यू सही जा रहे हैं, इसी बहाने याद भी हो जाएगा और रिवीजन भी हो जाएगा। दूसरा दूसरे पे ध्यान देंगे, ओह माय गॉड, गिव एनी टू फैक्टर विच अफेक्ट कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कोई दो फैक्टर बताइए जिससे कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर अफेक्ट होता है। पहले तो मैं आपको बता दें, याद होगा आपको कैपेसिटर, ये आपका कैपेसिटर था, ये कलेक्टिंग प्लेट था, ये कंडेंसिंग प्लेट था। हम ही नीचे दिखाए थे ड्यू टू इंक्रीज द एरिया ऑफ प्लेट, जब हम इन प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ऑलरेडी बढ़ता है। तो पहला फैक्टर एरिया पे याद कीजिए, दूसरा फैक्टर ड्यू टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, जैसे जैसे इसके बीच का हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे, प्लेट के बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता का मान कैपेसिटेंस का मान घटेगा। जैसे जैसे हम इन प्लेट के बीच का दूरी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस का मान धारिता का मान क्या करेगा, घटेगा। तो दो कारण हमसे कितना कारक पूछ रहा है, पहला कारण कि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाने पर कैपेसिटेंस का मान बढ़ता है, क्लियर इंग्लिश में, कैपेसिटी ड्यू टू इंक्रीज द एरिया ऑफ कैपेसिटर देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज ऑल्सो इंक्रीजेस। दूसरा ड्यू टू इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, अगर आप प्लेट के बीच की दूरी को बढ़ाइएगा देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिक्रीजेस, क्लियर है ओके। एक और भी है, ड्यू टू इंक्रीज द इंपैक्ट परमिटिविटी देन कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज इंक्रीजेस। यहीं से एक इक्वेशन बनाया था, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए एप्सिलॉन बाय डी आया था, एप्सिलॉन नॉट हटा कर आया था, सी बराबर के ए एप्सिलॉन बाय डी। एयर और भाईकम के लिए के का मान 1 था सर, क्लियर है। अगला देखेंगे तीसरा फटाफट राइट डाउन 2 मेन कैरेक्टर ऑफ फ्यूज वायर, बैच में लिखवाया है, व्हाट इज फ्यूज वायर, आपको जल्दी से बताना है फ्यूज वायर का 2 मेन कैरेक्टर क्या है, जल्दी फटाफट जल्दी से बताइए फ्यूज वायर का मेन कैरेक्टर क्या है, जल्दी फ्यूज वायर का मेन कैरेक्टर कोई लिख सकते हैं क्या, धरती का मान क्या लिख रहे हैं सर, अच्छे से नहीं दिख रहा है, मीडियम से साइज अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या, अच्छे से नहीं दिख रहा है क्या, हाँ नहीं ऑब्जेक्टिव नहीं है इस साल प्रवीण, अभी हम बताए हैं, बहुत अच्छा एक लड़का लिखा लो रेसिस्टेंस, वेल डन, लो रेसिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत अच्छा साची गुड, लो रेसिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। आप जो फ्यूज वायर लगाते हैं रेसिस्टेंस लो रहता है, अचानक से किसी घर में कोई शॉर्ट सर्किट होता है या लोड बढ़ता है तो लो रेसिस्टेंस होने के कारण वो तुरंत क्या कर जाता है, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता है।
क्या बोला है? फ्यूज वायर के दो विशेष अभिलक्षण के लिखे, फ्यूज वायर का दो विशेष लक्षण क्या है? रेसिस्टेंस लो होता है, प्रतिरोध कम होता है और गलनांक कम होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्लियर? फ्यूज वायर के दो विशेष अभिलक्षण यही है। ऑप्टिकल फाइबर के कोर, अगला देखना, क्लियर है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन क्लियर। चौथा, ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का होता है? याद रखिएगा, ऑप्टिकल फाइबर क्रोड सिल्का का होता है, लिख लीजिएगा अगर थोड़ा सा भी क्वेश्चन बैंक लेकर बैठे हुए तो। ऑप्टिकल फाइबर क्रोड किस पदार्थ का होता है? तो सिल्का का होता है। ओके सर, याद कीजिए, हम जब आपको यंग डबल स्लिट पढ़ा रहे थे तो वहां पर लिखवाए थे, जल्दी से, इस फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा डी बाई डी, फ्रिंज की चौड़ाई बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, छोटा वाला डी, फ्रिंज की चौड़ाई लैम्डा डी बाई डी। हमसे लड़का पूछा ये बड़ा वाला डी क्या था, तो हम लड़का को बड़े प्यार से बताए थे, ये जो बड़ा वाला डी था स्लीट और स्क्रीन के बीच की दूरी थी, छिद्र और पर्दे के बीच की दूरी थी। छोटा वाला डी क्या था, तो छोटा वाला डी था दोनों स्लीट के बीच की दूरी थी, दोनों स्लीट के बीच की दूरी। ओ माय गॉड, छठा क्वेश्चन देखिएगा, लाइट नहीं है, क्या हो रहा है आप लोगों को, दिक्कत है क्या, क्या साफ नहीं दिख रहा है, क्या साफ नहीं दिख रहा है, क्या साफ नहीं दिख रहा है, क्या बीएचयू का बीए आर्ट्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सर, आपका प्यार दुलार ने मुझे खींच लाया। ओ माय, थैंक यू विपुल, विपुल थोड़ा विपुल शेयर कर दीजिए, दिख रहा है ना साहब, कुछ बच्चे बहुत अच्छा है सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, ध्यान देना है, अगला लिखना है कि बताइए व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, आराम से सुनना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ एसी, इंडक्टिव रिएक्टेंस इज द रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इन एन एसी सर्किट, इंडक्टिव रिएक्टेंस रेसिस्टेंस ऑफ इंडक्टर इन एन एसी सर्किट। किसी भी एसी परिपथ का, शुद्ध हिंदी में किसी भी एसी परिपथ का, जो हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, प्रेरकत्व का प्रतिरोध होता है, उसी को इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। एक्सएल बराबर ओमेगा एल होता है, याद कर लीजिए, एसी में पढ़ाते एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्सी बराबर 1 बाय ओमेगा सी। क्लियर है छठा? क्लियर है छठा? बताइए क्लियर है? व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस? एसी सर्किट में, एसी सर्किट में इंडक्टर के रेसिस्टेंस को हम लोग एक्सएल बोलते हैं, यानी इंडक्टिव रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके धीरज किंग, अभी थोड़ा पढ़ा रहे हैं, मनोरंजन नहीं हो पा रहा है आप लोगों का, बिकॉज हम समझ रहे हैं थोड़ा सा बैटरी कम है, कब टाइम बोल दे सर, बहुत लापरवाह है आप, जब आपको पता था कि लाइव आना है तो चार्ज करके रखना चाहिए था ना, छी लापरवाह है इंसान, बिल्कुल लापरवाह नहीं है, सारा दिन बिजी थे, ट्रैवलिंग में थे। एक्चुअली आप लोग के क्लासेस के बाद जब हम यहाँ से गए हैं तो मुझे जाना पड़ा स्कूल, और फिर वहां से आते आते बहुत लेट हो गया है, फिर फाइनली रॉयल मैच पढ़ा रहे थे, उतनी देरों में जितना चार्ज करना था किए हुआ है, लापरवाह नहीं। क्लियर है? क्लियर है? हेलो गुलाब, हेलो फूल गुलाब का, अच्छा गुलाबों में फूल, ब्रिस्टल का नियम लिखना है, मजा आ जाएगा, ब्रिस्टल का नियम हिंदी इंग्लिश दोनों में, एक बार ध्यान दीजिएगा, बस ध्यान देना ही जिंदगी, आराम से सिर्फ लिखना है, प्रूफ नहीं करना है, लेकिन 1 मार्क्स में इसका घर लिख देंगे क्या? जब हम अनपोलराइज लाइट को, ध्यान से, जब हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज एंगल पे डालते हैं आईपी पे, जब हम अनपोलराइज लाइट को पोलराइज एंगल पे डालते हैं तो जो इंटरफ्रेंस होता है हवा के साथ सेपरेट कर जाता है, इंटरफ्रेंस किसके साथ सेपरेट करता है, जिसके कारण से रिफ्रैक्टेड लाइट पार्शियली पोलराइज होता है। रिफ्रैक्टेड लाइट कैसा पोलराइज होता है? लेकिन रिफ्लेक्टेड लाइट फुल्ली पोलराइज होता है, और हर हाल में रिफ्लेक्टेड लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, म्यू बराबर होता है टैन 90, एक बार म्यू बराबर टैन 90, एक बार क्लियर हिंदी में बोलते हैं, जब ना हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवन कोण पे आपतित करते हैं, ध्यान से, जब हम अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवन कोण पे आपतित करते हैं तो व्यतिकरण हवा के साथ व्यवस्थित होता है, जिसके कारण से अपवर्तित प्रकाश आंशिक रूप से ध्रुवित होती है लेकिन परावर्तित प्रकाश पूर्णतः ध्रुवित होती है, इसी नियम को हम ब्रूस्टर का नियम कहते हैं इंग्लिश में।
When unpolarized light incident on polarized angle. जब हम unpolarized light को polarized angle पे डालते हैं, देखिए ये polarized angle है. Then interference separating air. जो interference हो रहा था वो हवा के साथ separate कर गया. Due to this cause. ये आप पढ़ ही रहे हैं, छोड़ के light मत जाइए. आपका revision हो रहा है, कम से कम समझ लीजिए क्या चाहिए घंटा physics पढ़ रहे हैं. ये क्या हो रहा है? इससे अच्छा revision क्या होगा? वो भी question bank का revision. When unpolarized light incident on polarized angle, interference separating air. Due to this cause. Refracted light is partially polarized. But reflected light is fully polarized. Reflected light partially polarized है, लेकिन reflected light ना fully polarized होता है. And refracted light is mutually perpendicular to each other. It's called Brewster law. Clear? बहुत batch में बहुत ज़्यादा BVI required थे. Clear है? Clear है? Mu is equal to tan I पे लिखना. Clear है? Clear है भैया? जल्दी. जल्दी क्लियर है? हाँ जल्दी. थैंक यू. फटाफट जवाब तो दीजिए कम से कम. तेरे जवाबों से मुझे हौसला मिलती है, तेरे जवाबों से हौसला मिलती है. आगे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तू चिढ़ जाती है. ओके ठीक है. थैंक यू. हाँ एक बार थंब वाला इमोजी मारिएगा या सर्दी गया. देखिए ये मेरा लैपटॉप गया. खुल जा भाई. लैपटॉप या चाल नहीं है, लग रहा है आपका कमेंट्स ही नहीं कर पा रहे. अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए. ठीक है इमोजी मार देना है डन वाला. ठीक है ना. शेयर आज अच्छे तगड़े तरीके से नहीं हुआ. क्लियर. अगला देखते हैं. व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल. याद करिए लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद हमने एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लिखा था. वेन value of incident radiation is increases, then rate of photoelectron is also increases. ऊपर से हम जितना ज्यादा प्रकाश बढ़ा रहे थे तो हमारा फोटो करंट का निकलने का दर भी बढ़ रहा था. घबराइए मत, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं है. स्टॉपिंग पोटेंशियल तो बाद में होगा. उसके बाद हम एक और टॉपिक लिखवाए थे, बाबू सेचुरेशन करंट, संतृप्त धारा. अब हम ये बताए थे कि जैसे ये ना मेरा ट्यूब था, डिस्चार्ज ट्यूब, यहां पे कैथोड प्लेट लगा दिए थे, एनोड प्लेट लगा दिए थे, ऊपर से यहां पर रे ऑफ लाइट डाले थे, तो यहां से जो फ्री इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, इस फ्री इलेक्ट्रॉन का नाम था फोटो इलेक्ट्रॉन. मजा आ जाएगा, पूरा क्वेश्चन ही रिवीजन हो जाएगा. फॉर दिस एक्सपेरिमेंट लिनार्ड एंड मिल्कर गिव फॉलोइंग रिजल्ट. और इस एक्सपेरिमेंट से लिनार्ड और मिल्कर को बहुत सारा रिजल्ट मिला था. क्या मिला था रिजल्ट भैया? पहला रिजल्ट, ऊपर से जितना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाइएगा रेट ऑफ इमिटेड फोटो. ये लॉ नहीं है, ये रिजल्ट है. ऊपर से हालांकि पहला जो रिजल्ट है वो लॉ में भी यूज हुआ था. द रेट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन. दूसरा था सैचुरेशन करंट. हम ये बता रहे थे बाबू कि अगर हम ये पॉजिटिव वाला प्लेट का मान बढ़ाएंगे तो ऑलरेडी फोटो करंट का मान बढ़ेगा. पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे, फोटो करंट और बढ़ रहा, पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे, फोटो करंट और बढ़ रहा. बढ़ते 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 हम आपको एक थप्पड़ मारे, आप चार घंटा पर हम आपको दो थप्पड़ मारे, आप पांच घंटा पर हम आपको दस थप्पड़ मारे, अब 20 घंटा पर है हम आपको 20 थप्पड़ मारे, आप 24 घंटा पर है. अब हम आपको अब क्या करेगा, हम आपको मारते रह गए कंटिन्यू तबर 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 24 घंटा से 25 घंटा पर ही रह गया. एक समय ऐसा आएगा कि जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे, वैसे हम आपको मारेंगे नहीं, जितना जुल्म करना था, जितना सताना था, बाप रे बाप एकदम सुल्तान बने बैठे थे. कभी काल अकेले में सोचते हैं नहीं यार ये टीचर वाला लक्षण तो हमें नहीं था, आपको पढ़ाने के लिए हम क्या क्या कर दिए. और भाई साहब वो बहुत सारे बच्चे थे, चाहे वो ब्रजेश हो, बीगन हो, आज शायद सुन रहे होंगे, वो करमचंद हो, सब लोगों को बहुत भाई साहब वैसे नहीं पीटना चाहिए था, लेकिन हम आप लोगों को बताते थे कि बाबू हम पीलर नहीं है, इसलिए चलिए कोई नहीं, हम समझ में हमारी बात आ रही होगी आपको. हाँ मन तो मेरा भी नहीं लगा, शांत शांत सा लग रहा, सब मिनिमम हो जाएगा. ठीक है ठीक है ठीक है. पता नहीं मेरे लैपटॉप में क्या हो गया, बार बार ये रुक जा रहा है. एक मिनट. ओके ओके ध्यान देंगे. तुम ये बता रहे थे, मेरा बात सुनते रहिएगा. पहला बात, ऊपर से जितना ज्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे फोटो करंट उतना बढ़ेगा. दूसरा बात, जितना पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाएंगे फोटो करंट बढ़ेगा. बढ़ा रहे पर एक समय ऐसा आ गया कि अब हम पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं तो ये बेचारा कहता भाई साहब हम नहीं बढ़ेंगे, मेरा औकात इतना है. That constant maximum current is called saturation current, not stopping potential. एक बार इंग्लिश में हो जाए. When value of positive potential is increases,
then photocurrent is also increases. When value of positive potential is increases, then photocurrent is also increases. At particular stage, when value of positive potential is increases, then photocurrent does not increases. That is constant and maximum. एक ऐसा स्टेज आ गया जहां पर आप ये बोलता है कि नहीं भैया हम नहीं भरेंगे. क्लियर? उस कांस्टेंट मैक्सिमम करंट को सैचुरेशन करंट कहते हैं. अब भाई इस साल स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा तो जरूरी थोड़ी है कि अगले साल स्टॉपिंग सैचुरेशन करंट पूछ दे. हम तो भाई साहब अगल बगल के सारे दायरों को लेकर चल रहे हैं. अगला देखिएगा इसमें. अब आया हमारा तीसरा पॉइंट, बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है. जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ा रहे थे तो फोटो करंट बढ़ रहा था, वैसे ही निगेटिव पोटेंशियल घटाएंगे तो फोटो करंट घटेगा. वैसे ही निगेटिव पोटेंशियल घटाएंगे तो फोटो करंट क्या है? घटेगा. घटाते 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 इतना मिनिमम निगेटिव पोटेंशियल कर दे तो उस समय फोटो करंट का मान ऑलमोस्ट जीरो हो जाए. उस समय फोटो करंट का मान क्या हो? तो ऐसे पोटेंशियल को स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं. पर समझ गए, जब हम निगेटिव सिरे को घटाते हैं, निगेटिव विभव को घटा करके फोटो करंट का मान शून्य कर दे, वैसे निगेटिव पोटेंशियल को, वैसा कोई भी पोटेंशियल जहां पर फोटो करंट निकलना बंद हो जाए वैसे करंट को फोटो करंट कहते हैं. क्लियर है ना? वाह जयसवाल सूरज, गजब, ये पूरा आंसर लिख दिया, थैंक यू मैन. अगला देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है. नंद गेट का परपथ प्रतीत करना है. ज्यादा शाहरुख खान नहीं बनना है, सिर्फ नंद गेट का परपथ प्रतीत करना है. क्वेश्चन बैंक देखिएगा तो थोड़ा सा दिमाग तो दर्द करेगा. ये है इसका नंद गेट है. तो याद कीजिए n प्लस नॉट गिव द सिंबल ऑफ नंद गेट. सिंबल ऑफ नंद गेट, इसका अगर हमसे पूछता बुलियन एक्सप्रेशन बताइए तो एंड गेट है. एंड का क्या होता है? a डॉट बी ऊपर रैपिंग लग जाएगा. a डॉट बी पे ऊपर क्या लग जाएगा? रैपिंग. और बुलियन एक्सप्रेशन तो आप बड़े प्यार से लिख लीजिएगा. सलमान खान बनाया है क्या सर? यही तो प्यार है. अच्छा जी, हम आप लोग से बात कम करेंगे बिकॉज हमारा बैटरी बहुत कम है. अगला देखिएगा, आज मैं लिखवाया हूं व्हाट इज आयनोस्फीयर. आयनोस्फीयर जल्दी से बताइए आज वाले बच्चे कि कितना से कितना किलोमीटर वाले रेंज को बोलते हैं आयनोस्फीयर. फटाफट आज ही हम लिखवाए व्हाट इज आयनोस्फीयर, कितना से कितना जल्दी बताना है आयनोस्फीयर. देखिए बहुत सारा किताब पढ़िएगा तो बहुत सारा डाटा मिलेगा. 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, 84 किलोमीटर से 940 किलोमीटर भी लिख सकते हैं. ये पृथ्वी के सतह से 40 किलोमीटर से भी ऊपर और 400 किलोमीटर के बीच में, 84 किलोमीटर से 824 किलोमीटर के बीच में. लेकिन वहां से जहां से सारा रेडियो वेव रिफ्लेक्ट कर जाए, थैंक यू, 80 to 400, जहां से सारा रेडियो वेव रिफ्लेक्ट कर जाए वैसे मंडल को हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं. देखिए ये मेरा पहला ग्रुप हो गया. आते हैं दूसरे ग्रुप की ओर. दूसरे ग्रुप में भी 10 क्वेश्चन है और सबका जवाब देना है साहब. ये 2 मार्क्स क्वेश्चन है. इससे पहले जो हम कर रहे थे वो 1 मार्क्स क्वेश्चन था. फटाफट देखिएगा, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है? क्या दो समविभव सतह काट सकती है? कितना फिक्स वीवीआई लिखवाए है ये आप समझ जाएगा. ये पूछ रहा है व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बाबू प्रॉपर्टी ये होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हर पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन होना चाहिए. हर पॉइंट पे क्या होना चाहिए? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कटा, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कट टू ईच अदर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पे कट गया, अब इस पॉइंट पे देखिए ना कितना डायरेक्शन हो गया, मोर देन वन डायरेक्शन. इस पॉइंट पे कितना डायरेक्शन हो गया? मोर देन वन डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर बिकॉज इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन more than one direction and more than one tangent is produced which is impossible. Electric field line का property में ये लिखा हुआ है कि electric field line के हर point पर एक direction. जैसे लड़का बोला कैसे सर? हम बोले यहाँ से electric field line draw करें. यहाँ देखिए तो यहाँ पे इसका direction ये, यहाँ पे इसका direction ये, यहाँ पे इसका direction ये, और हर point पे tangent है. हर point पे ये बात और है कि direction change कर रहा है, लेकिन एक point का direction एक ही है. विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है.
क्योंकि अगर विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटी तो कटे हुए बिंदु पर एक से अधिक दिशा होगी और एक से अधिक टेंजेंट होगा, जो कि असंभव है। क्लियर? एक बार और, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कट टू इच अदर देन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मोर देन वन डायरेक्शन एंड मोर देन वन टेंजेंट इज प्रोड्यूस विच इज इम्पॉसिबल। एक बात और पूछ रहा है, क्या दो समविभव सतह एक दूसरे को इक्विपोटेंशियल सरफेस काट सकता है क्या? हम लिखवाएं प्रॉपर्टी में, याद कीजिए प्रॉपर्टी में, नो वर्क इज डन व्हेन टेस्ट चार्ज इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट टू इच अदर। इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं काट सकता है। समविभव पृष्ठ भी नहीं काट सकता है, नहीं काट सकता है, फटाफट समविभव पृष्ठ भी नहीं काट सकता है। ओके नहीं नहीं, ये लिखो, ये बस इतना ही पूछा है कि नहीं काट सकता है, आपसे मेंशन करने के लिए नहीं बोला। क्लियर है? चलिए आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर, 12वें क्वेश्चन को 11 कर दिया ना मैं, 12वां देखिएगा। बोल रहा है ए वायर ऑफ रेसिस्टिविटी रो, मजा आ गया, एक वायर है जिसका रेसिस्टिविटी रो है, तो रो बराबर होता क्या है बुआ? रो बराबर होता है R into A by L, ठीक है? इसको कर लिया क्वेश्चन फर्स्ट। अब बोल रहा है इस स्ट्रेस टू डबल इट्स लेंथ, अब इसको घींच करके हम इसके लंबाई को दोगुना कर दिए, इसको घींच करके लंबाई को कितना कर दिया? एक वायर है, जैसे ही लंबाई पा लेंगे ना लंबाई, अब लंबाई कितना हो चुका है? L हो चुका है 2L। अब आप बताइए अगर हम किसी चीज को स्ट्रेच करेंगे तो लंबाई बढ़ेगा और क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, दुगुना लंबाई किए तो क्रॉस सेक्शन एरिया अब हो गया एरिया ए बाई टू। तो पूछ रहा है नए तार की रेसिस्टिविटी बताइए, रूह बराबर रोडेस बराबर क्या होगा? रोडेस बराबर पहले लिख देते हैं आर इंटू ए बाई एल, आर की जगह पे आर, ए के जगह पर हो गया आपका कितना पता है? ए है गया आपका ए बाई टू और एल तो ऑलरेडी 2L है, यानी हमारा जो नया रेसिस्टिविटी होगा बताइए क्या होगा सर? नया रेसिस्टिविटी हो जाएगा, नया रेसिस्टिविटी पहले रेसिस्टिविटी था रो बराबर आर इंटू ए बाई एल, इसको कर दिया इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा क्लियर करके ही बना दे। पहले रेसिस्टिविटी है आपका रो बराबर आर इंटू ए बाई एल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आपने लंबाई को घींच करके कितना कर दिया? लंबाई को घींच कर दिए है एल डैश हो गया है बराबर आपका एल हो गया है 2L, एरिया कितना हो गया ए बाई टू, पहले का एरिया का आधा हो गया। अब बताइए इसीलिए रू बराबर आर की जगह पे आर, ए के जगह पर हो जाएगा आपका ए बाई टू हो गया और एल की जगह पर हो जाएगा 2L। अब इसको लिख सकते हैं रू बराबर रोडेस कर देते हैं इसको, ठीक है? रोडेस बराबर हो गया 1/4 इंटू आर इंटू ए बाई एल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आर इंटू ए बाई एल को क्या कहते हैं? रो, यानी रोडेस इक्वल टू हो गया रो बाई फोर, एक चौथाई कम हो जाएगा इसका रेसिस्टिविटी। बहुत अच्छा, एक चौथाई कम हो जाएगा इसका रेसिस्टिविटी। क्लियर है बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा। वैसे ये बहुत फेमस क्वेश्चन है सर। आते हैं 13 में, स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी डिस्टिंग्विश बिहेवियर ऑफ परमानेंट मैग्नेट। हो परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच में दो अंतर लिखना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, किसी साल तो आया था। दो क्यों, पांच बता दो, एक साइड लिखते हैं परमानेंट मैग्नेट, दूसरे साइड लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक के चुंबकशीलता को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है, अस्थायी चुंबक के चुंबकशीलता को बढ़ाया और घटाया जा सकता है धारा के मान को बढ़ा और घटाकर। किसी के चाचा का दिन नहीं है कि अस्थायी चुंबक के पोल को चेंज कर दे, लेकिन अस्थायी चुंबक के पोल को क्या किया जा सकता है? चेंज किया जा सकता है, करंट के डायरेक्शन को चेंज करके। अस्थायी चुंबक का अचानक से डीमैग्नेटाइज, अचानक की बात बोल रहे हो, उस दिन भी एक बच्चा कंप्लेंट किया था कि सर गर्म कर देंगे, गर्म करेगा तो धीरे धीरे वो डीमैग्नेटाइज होगा। अस्थायी चुंबक को सडनली डीमैग्नेटाइज और चुंबकित नहीं कर सकते हैं, और इसको तो भाई साहब एक मिनट करंट देना बंद कर देंगे। परमानेंट मैग्नेट, द इंटेंसिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कांट बी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट, The intensity of electromagnet is increases or decreases
ड्यू टू चेंज द वैल्यू ऑफ करंट परमानेंट मैग्नेट का दूसरा द पोलरिटी ऑफ परमानेंट मैग्नेट कांट बी चेंज इलेक्ट्रोमैग्नेट द पोलरिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज चेंज ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट क्लियर तीसरा परमानेंट मैग्नेट कांट बी डीमैग्नेटाइज सडनली इलेक्ट्रोमैग्नेट इज डीमैग्नेटाइज सडनली ड्यू टू स्टॉपिंग करंट हो गया ये आपका सोलेनाइड टोराइड ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेट में आ जाएगा नेचुरल चुंबक को आप बार मैग्नेट के रूप में रख सकते हैं क्लियर बार मैग्नेट में हमेशा कॉन्स्टेंट करेंट परमानेंट मैग्नेट में कॉन्स्टेंट करेंट देते हैं क्लियर है क्लियर है अरुण अपना मोबाइल दे दो थोड़ा यूट्यूब खोल दो कोई चालू हो गया तो मेरा हो गया ला भाई उसको थैंक यू अरुण भैया का मोबाइल है सर आपको मिस कर रहे थे और आप लाइव आ गए लिख लिए यस सर थैंक यू सर तीन चार बैच की याद आएगी तीन चार बैच की याद आएगी ये क्या है तीन से चार बैच की क्यों याद आएगी तीन से चार तो कल है मैं हटा दूं इसको फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर देखिएगा फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ एन आइडियल सोलेनाइड एक आइडियल सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्शन का मान निकालना है सर याद कीजिए हमारा आपको एकदम कॉपी में लिखा हुआ था सबसे पहले सेल्फ इंडक्शन कहते किसको ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मेन करेंट इन क्लोज कॉइल इंड्यूस करेंट एंड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन क्लोज कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन ड्यू टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मेन करेंट इन क्लोज कॉइल इंड्यूस करेंट एंड इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस इन क्लोज कॉइल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन अब हमको बोलता है किसी सोलेनाइड के लिए हिंदी में बोल दे किसी बंद कुंडली में मुख्य करंट के दिशा को बदलने का कारण अगर कुंडली में प्रेरित धारा में प्रेरित विद्युत भाग पर उत्पन्न हो जाए तो उसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन याद करिएगा थोड़ा सा यहां phi बराबर होता है li ओके एक होता है और दूसरा इक्वेशन लिख सकते हैं phi बराबर लिख सकते हैं याद कीजिए phi बराबर होता है li i बराबर होता है यहीं पे देखिएगा phi बराबर l किसी भी सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड b बराबर होता है म्यू नॉट ni सोलेनाइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है B बराबर म्यू नॉट एन आई B बराबर याद रखेगा म्यू नॉट छोटा n I इंटू आई अब मुझे किसका सेल्फ इंडक्शन निकालना है सोलेनाइड का तो phi बराबर हो गया एल आई फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ एक मिनट थोड़ा इसको साइड में ले चले क्या यहां पे इंडियन कैप्टन कौन बनेगा आप देखिए ये सब क्या डिस्कस कर रहा है कि इंडिया का कैप्टन कौन बनेगा इंडिया का कैप्टन हाँ आप ही बनिएगा ठीक ही है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड phi बराबर b डॉट a और b बराबर होता म्यू नॉट एन आई सोलेनाइड का एन टू ए मैं क्या कर दू रहने देता हूं सर ये phi है इसको कर लिया इक्वेशन फर्स्ट अब याद कीजिए फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन From definition of self induction के परिभाषा से phi बराबर एल आई दोनों को इक्वेट कर देते हैं समीकरण एक एवं दो से From equation कॉपी में किया गया हुआ है सर From equation first and second self induction solenoid का coaxial solenoid का दोनों का किए हुए सर ये हो गया आपका एल इंटू आई बराबर म्यू नॉट एन आई ए आई से आई एल बराबर हो गया म्यू नॉट एन ए अगर आप इनका मान लिखना चाहते हैं तो याद कीजिएगा पूरे पूरे सोलेनाइड का लंबाई एल था पूरे सोलेनाइड पे कुल फेरों की संख्या था क्या एल लंबाई पर कुल फेरों की संख्या एल लंबाई पर कुल फेरों की संख्या एन एल लंबाई पर कुल फेरों की संख्या था एन यूनिट लंबाई पे कुल फेरों की संख्या बताइए छोटा एन एन बाई एल था अगर आप छोटे वाले एन की जगह पर लिखना चाहते हैं बड़ा वाला n by l इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ क्लियर है जल्दी क्लियर है क्या क्लियर है जल्दी तो बोल दो भाई रियानी सर इंडिया के कैप्टन बनेगा ठीक है हम आपके कैप्टन बनेंगे सर जी जी कॉपी में किया हुआ था सर सर कल लास्ट क्लास है हाँ
जिन लोगों को आना होगा आइएगा यार, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूंगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूंगा, तू दिल को दुखाएगा तो मैं क्या करूंगा, मैं तो चेहरे पे आज ही भावुकता झलक रही है कि मुझसे हो पाएगा कि नहीं। चलिए हटा रहे 15। ट्रांसफार्मर क्या है और नीचे लिखना है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। मजा आ गया, जल्दी ट्रांसफार्मर इज, कल तो शायद हम ट्रांसफार्मर, कल शायद क्वेश्चन बैंक में ट्रांसफार्मर हुआ था भाई। व्हाट इज ट्रांसफार्मर, ट्रांस कितना इंपॉर्टेंट है सो देखिए, और इस साल के लिए तो भाई बहुत ज्यादा, बहुत मतलब बहुत ज्यादा। ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट, ट्रांसफार्मर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट लो वोल्टेज इंटू हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज इंटू लो वोल्टेज विदाउट लॉस ऑफ पावर एंड इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्शन। क्लियर, ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में या उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में बदलती है बिना ऊर्जा में क्षय किए हुए, बिना ऊर्जा में क्षय किए हुए। बार बार ये ऊपर क्यों चला जाता है, ये गया है नीचे का दिख रहा है नहीं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में बिना पावर में लॉस किए हुए। पूछ रहा बात आगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, द रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बराबर, कोई बोलेगा क्या, एनएस बाई एनपी को बोलते हैं, आर से सूचित किए थे, एनएस बाई एनपी, नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न ऑन सेकेंडरी कॉइल टू द नंबर ऑफ टर्न ऑन प्राइमरी कॉइल, एनएस बाई एनपी। चल रहा है एक बार देख लीजिए तो रिकनेक्ट नहीं है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात को कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है सर, 2017 बैच की याद आएगी। अरे गौरव यार, बिल्कुल गौरव, आज हमारा गौरव, थैंक यू गौरव, गौरव के लिए क्या कहें, गौरव सीबीएसई से थे और पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाए थे। गौरव अभी कहां, एक बार कमेंट में थोड़ा सा हम आपके लिए जल्दी से पढ़ रहे हैं। जयंद्र गौरव जी, चीयर्स, आप चीयर्स कीजिए, अगर थोड़ा देर समय देंगे तो हम भी कर सकते हैं 15 मिनट। जयंद्र गौरव जी, गौरव कहां है अभी, सत्यम ऑन द वे। अरे सत्यम लव यू, मेरा बच्चा बहुत अच्छा ब्लॉग बनाता है, एक बार आप लोग सत्यम ऑन द वे देखिएगा, जिसका अब यहां देखिए, यहां पे दिखा दिया, फिलहाल बैटरी 7% है। सत्यम ऑन द वे, सर मुझे कैसे भूल जाएंगे सत्यम कैसे भूल जाएंगे, गौरव रुला देंगे आपको। गौरव अभी कुछ बदलाव नजर आ रहा है क्या, कोई अगल बगल में आस पड़ोस में चाय पिलाने वाला है क्या, लाइव चलने के एरिया से कोई अगल बगल में है कोई, यस सर कोई है जो 5 मिनट में हमारा चाय पिला दे, दूध धले हो, कोई नहीं है चाय के नाम पर। हाँ वो हो गया सर, अच्छा यहाँ नीचे देखिए लिख रहा है, साहिल लिख रहा है, करमचंद बोल रहे हैं ठीक है ओके, बहुत बात यार, हाय 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 बजरंगी, हाँ ठीक है थैंक यू, अच्छा रहा। कोई चाय पिलाने वाला है, देखते हैं, 5 मिनट वेट करें, जल्दी से लेकर चले जाइए। हो गया, अब हम लोग का क्लास कराइए, पहले नेट भी करते हैं, यही अलग परेशान है, 2 मिनट बाद जाने में क्यों परे हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, हमको लगा चाय के बारे में लिख रहा है यार। हाँ सर आइए, लेकर आना है, हम कहां जाके लाइव छोड़ के देगा, 15 के बाद 16 मजे से एकदम हो यार। कभी कल हम देखते हैं ना, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग, क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग, ध्यान देना, द प्रोसेस विच प्रिवेंटेड द सर्टेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग। वैसी प्रक्रिया जिसमें कुछ निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या कर ले, बचा ले, हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक सेल्डिंग कहते थे। हम आपसे बोले थे कि बाबू बारिश हो रहा है, बारिश है, बारिश में एकदम तेज थंडर स्टॉर्म है, बिजली चमक रही है, भगवान जी आपका फोटो खींच रहे हैं। अब उस समय बोला जाता है कि जब ठनका गिर रहा हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए, सामने एक कार लगा हुआ है तो भयंकर पीपल का पेड़ है, आप किस में जाकर के बैठेगा, पीपल के पेड़ में या कार में, कार वाला बोल रहा है कि भैया बैठ जाइए, ऐसे कोई बोलिए जल्दी, यस पीपल के पेड़ के पास बिल्कुल मत बैठिएगा, वरना सबसे ज्यादा वो खतरा होता है सर, लाइटनिंग होने की सबसे ज्यादा चांस पेड़ पौधे के पास, ग्रीन कोई भी चीज है जो भींगा हुआ है अर्थ के संपर्क में हो। हमारा जो चालक है, हमारा जो कार होता है,
दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग. एक एग्जाम्पल भी देना है टू प्रिवेंट अ सर्टेन एरिया. मैं एक फोटो बनाकर दिखा देता हूं. ये था हमारा पॉजिटिव प्लेट, ये था निगेटिव प्लेट. अब यहां पे बना था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, लेकिन इसमें हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर डाल दिए. जैसे ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर डालेंगे, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर. आप इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्टर के परिचय से बिहेव से जानते हैं कि इन साइड में उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है. इन साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होता है, जीरो. ओके, सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल बताइए. ड्यूरिंग थंडरिंग सिटिंग इन ए कार और हाउस. घर में रहिए, घर से बाहर मत निकलिए थंडरिंग के दौरान, या कार में बैठे रहिए. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग? वैसी प्रक्रिया जिससे निश्चित क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से बचा लेते हैं. द प्रोसेस विच प्रिवेंटेड द सर्टेन एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग. अरुण, ये चार्जर नहीं आएगा, इस बोर्ड से यहां तक आने का कोई उपाय नहीं होगा. छोड़ो, कोई बात नहीं, मेरा भी मोबाइल डिस्चार्ज ही होने वाला है. क्लियर है? ओके, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं. कोई बात नहीं, देखिए एक मिनट, बहुत बारीकी से. कोई बात नहीं, बच्चा समझा रहा है कि बोलो. ये आ रही है, ठीक है. सही में मेरी याद नहीं आ रही, आ रही है थोड़ा सा. किसकी याद आई है? वहां पर इंटर होगा रूम, एक बार क्लिक करना है कीबोर्ड पे. इंटर इंटर नीचे कीबोर्ड में इंटर. ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, तब तक ये ऑन हो रहा है. अगला है, ये तो हो गया. व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर? बताइए रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का क्या काम है. तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में ना टॉर्सिनल हेड के साथ एक्सटर्नल टॉर्क उत्पन्न करने का काम है. क्या है? जो ऊपर में टॉर्सिनल हेड लगा था, याद है, ऊपर में पिवट और टॉर्सिनल हेड. एक लाइन में बता रहे हैं सर, टू मार्क्स क्वेश्चन है कि इसका क्या काम है. ये ना एक्सटर्नल टॉर्क प्रोड्यूस करता है. क्लियर? ये क्या प्रोड्यूस करता है? एक्सटर्नल टॉर्क. अब ज्यादा इसमें अंग्रेजी लिखने की जरूरत है नहीं. अगला क्वेश्चन सर. ओके, थैंक यू सर. हम चाय ले रहे हैं, आइए गुप्ता जी, वेट कर रहे हैं सर, थोड़ा जल्दी आइएगा. अगला क्वेश्चन 17 के बाद 18. राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस करेंट एट एनी एलसीआर सर्किट. में ना भाई साहब सिर्फ समीकरण लिखना है. अगर आपको नहीं आते तो मैं एक बार एलसीआर पूरा करा दे, क्या याद करेगा, थोड़ा सा मजा भी आ जाएगा. ये हमारा होता था VL माइनस VC. आपको ये करना नहीं, आपको तो सिर्फ समीकरण लिखना है. ये नीचे रिजल्टेंट निकला था V, E भी कर सकते हैं. ये VL माइनस VC था, तो ये भी VL माइनस VC था, ये VR था. रिजल्टेंट EMF यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन मेथड, E बराबर रूट अंडर A स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी आर स्क्वायर अब प्लस 2AB जीरो हो जाएगा, क्योंकि थीटा का मान कितना डिग्री है, अरे 90 डिग्री है. 2VL माइनस VC इंटू वी आर कॉस 90, उसको जीरो कर दे. ये हो गया VL की जगह पे IXL, VC की जगह पर IXC का होल स्क्वायर, अब प्लस वी आर की जगह पर हो जाएगा IR का होल स्क्वायर. ओके, सब में से I कॉमन लिए थे, इस कर तो था I रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. अब हमसे बोला था करंट का इक्वेशन लिखने, सिर्फ इक्वेशन आपको वही लिखना है. I इज इक्वल टू E बाय रूट अंडर XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ओके, या इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, I बराबर E बाय रूट अंडर XL की जगह पर ओमेगा L, XC की जगह पर 1 बाय ओमेगा C का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. जान लुटा दिए थे हम इस चैप्टर में सर, जान लुटा दिए थे इस चैप्टर में. जल्दी से फटाफट नोट करना तो कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं, बाकी लोगों को करने की जरूरत नहीं है, तब तक हम अपना लैपटॉप भी ठीक कर लेंगे. फटाफट जल्दी, जान लुटाने की जरूरत नहीं. ओके सर, स्नैप नहीं दिख रहा है, साफ नहीं दिख रहा है, मस्त साइज
थैंक यू। साइकिल भी पहचानती थी मोहब्बत को, मोहब्बत की राह है, चैन भी उतरती तो उसी के मोहल्ले में। ये गलत बात है यार प्रिंस धवन, बहुत बुरी आदत है ये सब। साइकिल भी पहचानती थी मोहब्बत की राहों को, अच्छा उसी के मोहल्ले चैन उतरा है। दमदार आशिक है जी, परीक्षा के समय ये सब मत याद कीजिए, पढ़ जाएगा मेरा में फिर। देखो कहीं परीक्षा में चैन उतर गया ना, हाँ नहीं उतरना चाहिए अभी, अभी बहुत दिक्कत है बाबू, माहौल नहीं, अभी परीक्षा पर समझ जाएगी, हटा रहे अगला देखिएगा। ओके, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र बी एवं चुंबकीय क्षेत्र बी एवं विद्युत क्षेत्र सदिश ई में कौन सबसे ज्यादा प्रभावी होता है, प्रभावी होता है? आपको बताना है ई और बी में सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी कौन होता है, जल्दी फटाफट बताइएगा जल्दी। जल्दी कमेंट्स देख रहे हैं सर, साफ नहीं दिख रहे हैं। रिहानी जान ये क्या है जी, डीपीओ लगा लिया हुआ लड़की का, ना हम उर्दू में गजल कहते हैं ना हम हिंदी में गजल कहते हैं, इसको देखिए, ना हम उर्दू में गजल कहते हैं ना हम हिंदी में गजल कहते हैं, हम तो आपके बोली में गजल कहते हैं। जो अमीर में, जो अमीरी में गजल कहता होगा, पता नहीं भाग गया ऊपर होगा, सच्चे शायरी तो फकीर में गजल कहते हैं। प्रणाम प्रणाम। हाँ देखिये दोनों में ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वैरीज, पहले एक बार याद करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वैरीज साइमल्टेनियसली एंड प्रोपागेट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, याद होगा आपको सर। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो प्रोपागेशन होता है वो साइमल्टेनियसली होता है, और चलने का जो दिशा होता है एक दूसरे पर संचरण की दिशा में परपेंडिकुलर होती है, देख लीजिए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है और दोनों में सबसे ज्यादा प्रभावी, दोनों ही प्रभावी है, हम लिखेंगे दोनों ही, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। क्लियर, क्लियर है। चलिए रानी सर आपका, आपको हम नहीं छोड़ के जा सकते, मत जाइए। हम कब बोले हैं जाइए आप, आपको कुछ होने चले जाएगा तो फिर क्या करेंगे, हम तो यूं ही दिन में तारे गिनते हैं। अब अभी भावुक मत कीजिए यार, बहुत क्वेश्चन बनाना है, इसमें बैटरी पता नहीं कब तक चल रहा है। मजा आ गया। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन जिसकी गतिज ऊर्जा 120 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है, व्हाट आर द मोमेंटम, एक इलेक्ट्रॉन व्हाट आर द मोमेंटम, ओके मोमेंटम डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी है। ओके सर हमको क्या क्या निकालना पता है, एक तो मोमेंटम निकालिए और दूसरा डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालिए। हम आराम से पढ़ाए थे डी ब्रोगली वेवलेंथ तो आराम से निकलता है, E बराबर एच सी बाई लैम्डा, E बराबर एच सी बाई लैम्डा, लेकिन उससे भी पहले हम आपको पढ़ाए थे मोमेंटम बराबर E बाई सी। कॉपी में प्रॉपर्टी में चेक कीजिए, मोमेंटम हो जाएगा E बाई सी, ये एनर्जी दिया हुआ है सर 120, 3×10⁸, 40×10⁻¹, ये मोमेंटम हो गया आपका 40×10⁻¹। क्लियर, अब हमको एनर्जी चाहिए, E बराबर होता है एच सी बाई लैम्डा, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन लिख सकते हैं फोटोन एनर्जी से, एच हो गया 6.62 × 10⁴, जल्दी जल्दी −34, सी का मान 3×10⁸, सबसे बड़ी बात है वेवलेंथ कहां से लाओ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, वेवलेंथ कहां से आएगा नहीं पता है, अरे वेवलेंथ में निकालना है उसकी तरंग दैर्ध्य क्या है, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच सी बाई ई, लैम्डा बराबर एच सी बाई ई, तो हो गया आपका 6.62 × 10⁻¹⁴ × 3×10⁸, और भाई साहब ई का मान निकाले हुए हैं, ई का मान दिया हुआ 120। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो इसको बदलना पड़ेगा आपको, 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻¹⁹ जूल, कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत फटाफट क्लियर जल्दी।
सबसे ज्यादा डाउट बैटरी पे ही है यार। क्या हो गया ऐसे कैसे अपने से हो जाए। एक तो ये ऐड से हम परेशान है। कोई दिक्कत है क्या? एक मिनट भैया, एक मिनट यहीं से देख लेते हैं। ये सब फालतू फालतू वाले रंजन जो लोग लिख रहे हैं ना, हम ब्लॉक कर देंगे आपको, हम हटा रहे हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या? तीसरा ग्रुप चल रहा है कि चौथा ग्रुप? सी चल रहा है। अरे सी है यार, सी आना बाकी है, आना बाकी। उसके बाद डी आएगा। व्हाट हैपेंड व्हेन फॉरवर्ड पास इज अप्लाइड टू ए पीएन जंक्शन? ओके, बोल रहा है क्या होगा जब आप फॉरवर्ड पास को पीएन जंक्शन डायोड को ना फॉरवर्ड पास में जोड़िएगा? बहुत कुछ होगा। पहला बात, जैसे ही हम फॉरवर्ड पास में पीएन जंक्शन डायोड को जोड़ेंगे तो डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करेगा, डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा और करंट का मान बढ़ेगा। व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस देन डिप्लेशन लेयर इज डिक्रीजेस एंड एनर्जी इज इंक्रीजेस। डिप्लेशन लेयर डिक्रीज करेगा, एनर्जी इंक्रीज करेगा। और बताइए और क्या होगा? आप तो बहुत बात बोले थे। दूसरा बात, जो हमारा फर्मी एनर्जी है, इसमें फर्मी एनर्जी किसके साथ शिफ्ट करेगा? फर्मी एनर्जी कंडक्शन बैंड के साथ शिफ्ट करेगा। क्लियर? फर्मी एनर्जी किसके साथ शिफ्ट करेगा? कंडक्शन बैंड के साथ शिफ्ट करेगा। क्लियर है? क्लियर है। क्या होगा जब पीएन जंक्शन डायोड को आप किसमें जोड़िएगा? फॉरवर्ड बायस में। जब हम पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस में जोड़ेंगे तो हमारा डिप्लेशन लेयर घटेगा, जिसके कारण से एनर्जी का मान बढ़ेगा और करंट का मान बढ़ेगा और यह ओम के नियम का पालन करेगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं, 2 मार्क्स का है। क्लियर? आते हैं अगले क्वेश्चन 22 में। बोल रहा है व्हाई ए लॉन्गिट्यूडनल वेव कांट बी पोलराइज? क्यों लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज नहीं हो सकता है? बताइए कि लॉन्गिट्यूडनल वेव पोलराइज क्यों नहीं हो सकता है? इनिशियली लाइट वेव वेयर कंसिडर्ड टू बी ट्रांसवर्स। ये बोल रहा है क्षैतिज तरंग क्या नहीं ध्रुवित की जा सकती है? इसलिए नहीं कर सकती है कि वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में ये कौन सा रू हो गया भाई? कुछ दूर होकर भी भुलाया नहीं जाता। चालू हो गया ये सब। मुस्कान प्रिया सिंह, प्रियानी सर भी मेरा अधूरा है। ये कौन है भाई? क्या क्या लिख रहे भाई? पढ़ाई पढ़ाई हम ब्लॉक कर देंगे। देखिए 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 सब कहा है। यानी सर के बिना मेगा अधूरा है। गजबे लिखता है। इसलिए पोलराइज किया नहीं जा सकता है क्योंकि वो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन में परपेंडिकुलर प्रोपागेट करता है। अगला लिखना है। ओ माय गॉड, अभी जस्ट कुछ दिन पहले बताए थे व्हाट इज द यूटिलाइज ऑफ मॉडरेटर कूलेंट एंड कंट्रोल रड। अभी उस वाले बोर्ड पे बना भी हुआ है कि बताइए ना मॉडरेटर कंट्रोल रड और इसका क्या यूटिलाइज है। तो सबसे पहले याद कीजिए मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता था पहले मैं आपको बता दूं। जो न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस होता था रिएक्टर में, उसमें न्यूट्रॉन्स काफी तेजी से निकलता था। उसमें न्यूट्रॉन्स काफी तेजी से, मॉडरेटर बोलता था धीरे धीरे, हौले हौले से हवा लगती है, हौले हौले से दुआ लगती है और हौले हौले हो जाएगा परीक्षा की तैयारी। क्लियर? एक बार मॉडरेटर का क्या काम है? मॉडरेटर ना न्यूक्लियर रिएक्टर में फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने का काम करता है। हेवी वाटर का यूज करते हैं मॉडरेटर में। किसका यूज करते हैं? हेवी वाटर करते हैं और भी बता रहा करते हैं, इतना ही लिखना है। आगे लिखना है नियंत्रक कंट्रोल रड। अच्छा एक बात बताइए, हम जो न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम का रड लगाए थे तो वो तो अनकंट्रोल रिएक्शन था, लेकिन कंट्रोल रड क्या करता है कि जैसे ही फिजन प्रोसेस के दौरान 3 न्यूट्रॉन निकला था उसमें से 2 को खींच लेता है। कंट्रोल रड का काम काम है ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस मोर देन 2 न्यूट्रॉन इज प्रोड्यूस देन कंट्रोल रड कंट्रोल द एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंट्रोल रड क्या करता है?
एक्सेस इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करने का काम करता है, कैडमियम रॉड, बोरॉन रॉड, ये सभी कंट्रोल रॉड की तरह काम करता है। बहुत जरूरत है देखने की, इस सब हमारे बारे में बहुत देर से बात करें। सर मेरा नाम लीजिए, क्या ले लिया आपका, क्या सब हो रहा है हम भी देख रहे हैं। अच्छा मेरा नाम लीजिए, अच्छा है, हाँ देखिए देखते रहो, नया करंट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, पता नहीं कौन है। मुस्कान आइए, अच्छा कोई कुछ भी लिख रहा है सर, चलिए अगला देखिएगा। हाँ तो क्या क्या था मेरा, एक तो छूट गया सर, एक तो मॉडरेटर था, मॉडरेटर में हम लोग यूज किए थे, मॉडरेटर का काम था, क्या काम था भाई, मॉडरेटर का क्या काम था, जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा था उसको कंट्रोल करने का काम, हेवी वाटर का यूज करते हैं। एक शीतलक छूट गया था, कूलेंट, कूलेंट क्या होता था कि रिएक्टर से हीट को रिमूव करके बाहर करने का काम करता है, लिक्विड सोडियम का यूज करते हैं कूलेंट के रूप में, कंट्रोल रेड एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को कवर करने का काम करता है। आधार बैंड, आधार बैंड, बैंड की चौड़ाई और फीडिंग क्या होती है, सबसे पहले वाटर बेस बैंड, बैंड की चौड़ाई और फीडिंग क्या होती है, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे ध्यान देना है। ये सब क्या चल रहा है भाई, अरे पढ़ाई हो रहा है भाई, ये सब पूरा एकदम, कोई बच्चा का पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, सब चैटिंग में लगा हुआ है, हम चैटिंग ऑफ कर देंगे फिर। मेरे पास लॉगिन है और मैं कर सकता हूं चैट को ऑफ, ये क्या कर रहे हैं सर, बहुत क्वेश्चन बनाना है, बैटरी भी कम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फालतू फालतू का ये सब बात मत कीजिए। अगला देखना सर, सबसे पहले बैंड, आप बेस बैंडविड्थ क्या है, तो आज वाले लेक्चर में क्लियर आपको बैंडविड्थ के बारे में बताए थे कि द डिफरेंस ऑफ हायर रेंज फ्रीक्वेंसी टू द लोअर रेंज फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड बैंडविड्थ। हायर रेंज फ्रीक्वेंसी और लोअर रेंज फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैंडविड्थ बोलते हैं। अगला है ड्रा द वोल्टेज डायग्राम, ये आप खींच लीजिएगा सर। अगला देखिएगा, डिफाइन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वर्क फंक्शन स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपको ये तीनों चीज डिफाइन करना है एज ए ग्रुप, कौन से ग्रुप में, अभी अभी ये सी ही चल रहा है क्या, देखा सी में बोल रहे क्या क्या आपको डिफाइन करना, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोस मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रू विच फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सर्फेस आर कम आउट, वैसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन, वैसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन मेटल सर्फेस से बाहर निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दोस मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रू विच फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल सर्फेस आर कम आउट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और डेली फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, वैसी न्यूनतम आवृत्ति वाला प्रकाश जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर निकल जाए उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला वर्क फंक्शन, दोस मिनिमम एनर्जी, अच्छा मेटल सर्फेस पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही बाहर निकल जाएगा, उसको बोलिए आप सुनिए ना हम आए हैं आप मेरे साथ चलिएगा क्या, तो वो वाला फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा क्या। वैसी न्यूनतम ऊर्जा जिससे मेटल सरफेस से फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, वैसे न्यूनतम ऊर्जा को हम लोग वर्क फंक्शन कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल अभी वाले क्वेश्चन में लिखवाया सर, अगर हम निगेटिव पोटेंशियल का मान घटा करके इतना कम कर दें, उस समय फोटो करेंट का मान जीरो हो जाए, वैसे पोटेंशियल को निगेटिव पोटेंशियल कहते हैं।
27 नंबर नहीं ये बनाना है सर, बोल रहा है फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन ऑफ वेव मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज 10 वोल्ट, ठीक है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है 10 वोल्ट, मिनिमम एम्पलीट्यूड है 2 वोल्ट, तो हमको क्या निकालना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकालना है। ओके सर, म्यू बराबर आप लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए पढ़ाई पे सब, सर अच्छे से नहीं दिख रहा है सर प्लीज, अच्छा नहीं है, साफ नहीं दिख रहा है क्या, एक बार मोबाइल में देखे दो, बच्चों का कंप्लेन है कि साफ नहीं दिख रहा है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बराबर होता है एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव बाई एम्पलीट्यूड ऑफ अनमॉड्यूलेटेड वेव, मेरा राइटिंग तो वैसे भी बहुत अच्छा है, अनमॉड्यूलेटेड वेव एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड वेव यानी म्यू बराबर लिख सकते हैं आप आराम से, म्यू बराबर आप क्या लिख सकते हैं म्यू एम बाई म्यू सी कर देते हैं, रफ में आप देखेगा इसको कर लिए क्वेश्चन फर्स्ट, मुझे म्यू एम चाहिए, म्यू एम हो जाएगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 10 प्लस 2 दिख रहा है, म्यू एम बराबर 10 प्लस 2 बाई 2 हो जाएगा 12 6, अब म्यू सी बताइए 10 माइनस 2 बाई 2 म्यू सी हो जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा आपका 10 मिनट हो गया 8 बाई 2 4 हो जाएगा, म्यू सी कितना हो जाएगा 4 हो गया सर, ये हो गया 10 वोल्ट, ये हो गया 4 वोल्ट, अब म्यू एम पता है म्यू सी पता है इसीलिए म्यू बराबर हो जाएगा 12 6 अब भाई क्या हो जाएगा 4 ये कट जाएगा 3 बाई 2 कोई यूनिट नहीं होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, क्लियर है उल्टा लिख दिया क्या यार सॉरी सॉरी एक मिनट रुक जाएगा म्यू एक मिनट सारा चैट वाला के कारण ऐसा हो रहा है, म्यू एम बाय म्यू सी होता है, म्यू एम बराबर होता है 10 माइनस, कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिए जल्दी जल्दी फटाफट, नेट चल रहा है क्या हाँ। वहां पे रिकनेक्टिंग नहीं ना, नहीं यहां पे तो रिकनेक्टिंग दिखा रहा है, क्वेश्चन बैंक कर लेंगे तो अच्छा मार्क आ जाएगा, बिल्कुल बाबू क्वेश्चन बैंक, अगर आप क्वेश्चन बैंक से पता चलता है सर, सर वीडियो रुक गया है ये पे लिखा हुआ है वीडियो रुक गया है, किंग ऑफ लंका विवेक रंजन आप गए बाबू ब्लॉक, अब आप दूसरा आईडी निकालिए कितनी गलत बात है, रहिए ठीक है ठीक है, अगला क्वेश्चन 28 नंबर देखिएगा, आज तो दम निकालने वाला है, पद बैटरी चल रहा है अचानक से ऑफ हो जाए तो समझ जाएगा बैटरी खत्म, बोल रहा है डबल कन्वेक्स लेंस है, सेम क्वेश्चन बनाए हुए हैं एक डबल, इसको ले चलते हैं साइड में, लेकिन एक डबल कन्वेक्स है अरुण भैया का फोन आया था, अरे एक डबल कन्वेक्स लेंस है हो गया मैन्युफैक्चर फ्रॉम ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 बोथ का सेम रेट है, तो याद कीजिए मिंटू भाई खड़े हैं वाला 1 / f बराबर म्यू माइनस 1 1 / r1 माइनस 1 / r2 हो गया, क्या निकालना है r ही निकालना है, r1 r2 दोनों सेम होगा, r1 बराबर r2 का लेकिन एक पॉजिटिव होगा और दूसरा नेगेटिव होगा, 1 / f फोकस दिया हुआ है 1 / 20 ओके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.55 इंटू माइनस 1 1.55 माइनस 1 1 / r1 की जगह पर सबको r मान लेते हैं माइनस 1 / r2 की जगह पर माइनस r, अब इसको अगर सॉल्व करें बराबर छोटी कर 1 / 20 इक्वल टू 0.55 1 / r माइनस 1 / r क्या सॉल्व हो जाएगा, r निकालना सर क्या सॉल्व हो जाएगा, क्या सॉल्व हो जाएगा, बाप रे बहुत क्वेश्चन है जी आज,
सॉल्व हो जाएगा। चलिए हो जाएगा सर, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं जी सर हो जाएगा। अगला आते हैं सर, अरुण भाई यही है सर, 11th का मैच कल होगा सर, कल आइए भोजपुरिया स्टार, लिखा हुआ यूट्यूब का नाम रख ले भोजपुरिया स्टार। किन कारणों से ट्रांसफार्मर की दक्षता घटती है? नेम द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। ईडी करंट लॉस, कॉपर लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस, बस कारक का नाम लिखना है। अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो याद कीजिए कि ईडी करंट आर सेटअप इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर टू मिनिमाइज दिस। ईडी करंट कहां पे सेटअप होता है? ट्रांसफार्मर के कोर में, और विच लॉसेस एनर्जी, जो एनर्जी का लॉस करता है, टू मिनिमाइज दिस लॉस कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड। कौन कौन से कारक हैं जिनके कारण ट्रांसफार्मर की दक्षता घटती है? एक था कॉपर लॉस, दूसरा था हिस्टेरेसिस लॉस, तीसरा था ईडी करंट लॉस। हम बात कर दे कॉपर लॉस होता क्या है। जो हम क्या किए थे कि ट्रांसफार्मर के दोनों पार्ट पे, दो जो आर्म था उसमें कॉपर के टर्न को बांधे थे, याद कीजिए, जिसको एक प्राइमरी कॉइल बोलते थे और एक को सेकेंडरी कॉइल बोलते थे। कॉपर टर्न वेस्टेड सम एनर्जी, टू मिनिमाइज दिस लॉस कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज एलिमिनेटेड। दूसरा था हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस में क्या हुआ था कि हमने जब करंट को प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में पास करा रहे थे, तो उस समय प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में हीट पास करंट को पास कराने के दौरान वहां पे कुछ एनर्जी हमारा हीट में कन्वर्ट कर गया था, जिसको मिनिमाइज करने के लिए हम लोग हिस्टेरेसिस लॉस करते हैं। उसको मिनिमाइज करने के लिए आप ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार कर सकते हैं। तीसरा था एडी करंट। एडी करंट ट्रांसफार्मर के कोर में सेटअप होता है, जिसके कारण से हमारी एनर्जी लॉस होती है। आप चाहते हैं कि आप इसको लॉस मिनिमाइज करना, तो आप ट्रांसफार्मर के कोर को परतदार कर सकते हैं। अगला, राइट द ट्रूथ टेबल ऑफ नंद गेट। एक मिनट, नंद गेट का ट्रूथ टेबल लिखना है, उसका नंद गेट कनेक्टेड इन ए गिवन फिगर, ओके, आइडेंटिफाई द एग्जैक्ट लॉजिक ऑपरेशन कैरिड आउट बाय दिस सर्किट। नीचे दिए गए नंद गेट का, लड़का बहुत कंफ्यूज है यार। लड़का इसलिए कंफ्यूज है क्योंकि नंद गेट में दो इनपुट होते थे, यहां पे तो एक ही इनपुट है। अब करे तो करे क्या लड़का, लड़का पर गया दो फेर में। नंद गेट में एक ही इनपुट होता था, यहां पे दो इनपुट है। अब हम करेंगे क्या, आप यहां पे एक इनपुट है, एक आउटपुट आपको खुद से बनाना है, दूसरा कोई भी। और नंद गेट सो देयर ओनली वन इनपुट एंड वन आउटपुट, लेकिन इस नंद गेट में एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है। लेकिन नंद गेट में होता क्या है, ये बिहार बोर्ड की कंट्रोवर्सी है, दुर्भाग्य कहे। आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, विदा हो जाएंगे। आज अपना जान के जाने, फिर कब मिलेंगे। बहुत स्मार्ट दिख रहे हैं, थैंक यू सर। अब होम पर आपके बिना दिल नहीं लगता, आइए ना होम पर से। देखिए अब इसका लिखना है तो एक ही इनपुट है, एक ही आउटपुट है, समझ जाइए। एक इनपुट एक आउटपुट के लिए तो नॉट गेट की तरह ये रिएक्ट करेगा। इसका ट्रुथ टेबल लिखना है, दो काम कर सकते हैं। ए ए जीरो होगा या ये दोनों जीरो होगा। क्या होगा, ए ए जीरो होगा, जीरो होगा, तो जीरो डॉट जीरो एंड में जीरो, लेकिन आंसर तो पलटेगा ना, तो वन होगा, या वन वन होगा, वन डॉट वन वन, लेकिन आंसर पलटेगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। ये बिहार की कंट्रोवर्सी है, इस क्वेश्चन पे क्या किया जाए। ठीक है, या एक को जीरो कर सकते हैं तो एक वन होगा, या वन कर सकते हैं तो जीरो होगा। अगला देखिएगा सर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, ये बहुत इजी है, देखिएगा। इसको हम ले चलते हैं साइड में, एक मिनट। ध्यान देना है फटाफट, मुझे लगता है कि मोबाइल हमारा साथ दिया हुआ है। बैकअप ठीक है हमारे मोबाइल। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 100 वाट। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है कितने वाट का, पावर दिया है बाबू 100 वाट, आराम से। पोटेंशियल इसका 220 वोल्ट, कितना वोल्ट है, इस सप्लाई
और 50 हर्ट्ज। ओके सर, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ 50 हर्ट्ज, कोई काम नहीं पड़ेगा हमें फ्रीक्वेंसी का। क्या क्या चाहिए आपको? रेसिस्टेंस चाहिए, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए। हम आपको याद होगा पावर बराबर होता है वर्क बाय टाइम। वर्क को हम एच लिखते थे, एच बाय टी। पावर बराबर लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी बाय टी। टी से टी कैंसिल, यानी पावर इज इक्वल टू होता है आई स्क्वायर इंटू आर। ओके, हमको आई नहीं चाहिए, हमको निकालना क्या है, क्या चाहिए आपको? बल्ब का प्रतिरोध आर चाहिए। ओके सर, लोड नहीं लेना है, आर के लिए हो जाएगा, पहले आई निकालेंगे। तो चूंकि ओम के नियम से वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, आई इज इक्वल टू हो गया वी बाई आर। अब देखा पावर की जगह पर, पावर आई की जगह पर हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर से एक आर कैंसिल। पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, हमें चाहिए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई टी। अब हो जाएगा आर भी दिया हुआ है सर 220 इंटू 220, अब आई 100, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा पावर हो गया आपका 440 वाट। सॉरी रेसिस्टेंस निकला है, सॉरी सॉरी वाट नहीं, ओम, 440 ओम। अब याद कीजिए भी इक्वल टू, अब मुझे दूसरा निकालना आई आर एम एस वर्क का आर एम एस वैल्यू ऑफ करेंट। ई आर एम एस होता है आई आर एम एस इंटू आर। तो आई क्या पूछ रहा है मुझे, आई आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू बताइए ई आर एम एस बाय आर। ई आर एम एस कितना है, ई है आपका 220 वोल्ट, ये 220 वोल्ट की तरह, आर कितना निकला है 440। एंसर एम्पियर में आंसर होगा 220 बाई 440। ओके, अरे सर एक मिनट देख लीजिएगा, 220 इंटू 220 है, सॉरी 220 इंटू 220, यार हम भी ना 220 का, अरे पोटेंशियल 220 है, देखिएगा ध्यान से 484, कोई ध्यान भी नहीं देता है, 484 ओम, 484 484, सॉरी। क्लियर क्लियर है, किन्हीं को कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, तबीयत ठीक नहीं है। मेंशन द डिफरेंट मेड ऑफ प्रोपागेशन यूजिंग कम्युनिकेशन सिस्टम। आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम में तीन सबसे हॉट है ब्रीफ अकाउंट कम्युनिकेशन सिस्टम के, ट्रांसमीटर चैनल रिसीवर, ट्रांसमीटर चैनल रिसीवर। ट्रांसमीटर का क्या काम है, ट्रांसमीटर मैसेज सिग्नल को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, आज ही शायद पढ़ा है। रिसीवर का क्या काम है, रिसीवर का काम है कि वेव फॉर्म को, रिसीवर का काम है ट्रांसमीटर और चैनल को, एक मिनट सर फिर से, ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर का काम है ट्रांसमीटर का काम है कि आपके मैसेज सिग्नल को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना, ट्रांसमीटर का काम है मैसेज सिग्नल को वेव फॉर्म में कन्वर्ट करना, चैनल का काम है ट्रांसमीटर और रिसीवर को जोड़ना, और रिसीवर का काम है फिर से मैसेज सिग्नल को दोबारा से वेव फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना। क्लियर, ये 32 32 प्लस 34 कैसे आ गया, 33 34 देखिए बहुत क्वेश्चन है ऐसे, यार हम इसको दो पार्ट में कल भी इसको लाइव आकर के क्लियर कर देते हैं, ठीक है? नहीं, बहुत सारे बच्चे उब गए, क्या आज कर दें या कल कर दें, ये मुझे जानना है। ये 2014 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन डाला गया था, हम भी थोड़ा सा थका हुआ फील कर रहे हैं, आज या कल बोलिएगा तो करेंगे, बैटरी का कोई ठीक नहीं हमारे कल। ओके थैंक यू, हाँ थोड़ा सा हेक्टिक फील कर रहे हैं, कल आएंगे बचे हुए क्वेश्चन को कर भी लेंगे, आज कीजिए सर छुपा रुस्तम, समझिए ये सब देख रहे हैं, ये सब दुश्मन है हमारा बिल्कुल नहीं चाहता है। हाय सर बबलू यादव ओल्ड 2021 साची, कल कीजिएगा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ठीक है ठीक है ठीक है कल ही करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही, बिकॉज लाइव आज बहुत लंबा हो गया, ठंडा इतना ज्यादा है
आपको पता है लाइव हम क्लास से लेते हैं और यहाँ पे शायद कुत्ते की आवाज आपको सुनाई दे रहा होगा सर। ऊपर से आज हम बहुत ज्यादा थके थे बिकॉज आज हमको जाना पड़ गया और जिस दिन रूटीन टूटता है ना उस दिन भाई साहब ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम कभी भी आपसे दूर नहीं जाने वाले हैं, सदैव आपके साथ रहेंगे। बाय, लव यू, गुड नाइट।